आप देख रहे हैं वन लाइन और स्टडी पॉइंट। मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों मैं कुछ हिंदी संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों अगर आप लोग अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा दोस्तों, छोटा वीडियो बनाऊँगा, वो भी काफ़ी यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन हो गया हवा का महल। भारत में हवा का महल कहाँ स्थित है? आप ऐसा भी कह सकते हैं भारत में हवा का महल किस राज्य को कहा जाता है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा इसका आंसर फटाफट बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला हो गया आपके सामने उत्तर प्रदेश, तो दूसरा हो गया गुजरात, तीसरा हो गया राजस्थान, चौथा हो गया महाराष्ट्र। तो दोस्तों अपना आप आंसर बताइए कि कौन सा आंसर होगा इसमें। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत राजधानी जयपुर को ही भारत का हवा महल कहा जाता है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर एक असम, नंबर दो गुजरात, नंबर थ्री चेन्नई, नंबर चार पंजाब। दोस्तों आपका आंसर फटाफट दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा डांडिया लोक नृत्य गुजरात का है लोक नृत्य दोस्त। काफ़ी प्रचलित है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं लोक नृत्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा समय हम आपका नुकसान नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला, चौथा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सातवां, चौथा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर अपना आप बताइए। तो दोस्त ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो सातवां स्थान हो गया। अगर पूछ दे कि विश्व में संपूर्ण क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना परसेंट भूभाग है, तो आप बताएंगे कि 2.4% भूभाग भारत के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? हिंदी क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, नंबर एक भक्ति काल, नंबर दो रीति काल, नंबर तीन भविष्य काल, नंबर चार वर्तमान काल। दोस्तों अपना आंसर दीजिए फटाफट। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा भक्ति काल, आंसर हो जाएगा भक्ति काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? स्थापत्य का स्वर्ण काल किस, दोस्तों आपका सामने चार ऑप्शन है, नंबर एक जहांगीर, नंबर दो शाहजहां, नंबर चार अजातशत्रु। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला रहा आपके सामने एक क्वेश्चन मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? मुगल काल का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है बताइए? मुगल काल का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, अकबर, शाहजहां, अमीर खुसरो, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। आप चार ऑप्शन में से अपना ऑप्शन आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, कुछ थोड़ा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया हूँ, लेकिन हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त, काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए आपका आंसर दीजिए फटाफट। चलिए आपका आंसर हो जाएगा शाह अकबर, इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा कवि सम्राट किस कवि को कहा जाता है? कवि सम्राट किस कवि को कहा जाता है बताइए फटाफट, कि कवि सम्राट किस कवि को कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर दो अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन नंबर तीन जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर चार सुमित्रानंद पंत। तो दोस्तों आपका आंसर अपना फटाफट दीजिए।
आपके सामने आंसर हो जाएगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसको इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, सभी इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता है, चाहे टेट हो, पुलिस हो, कोई भी परीक्षा हो, बहुत में पूछता है। तो कवि सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम या बड़ा राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, भारत का प्रथम या बड़ा राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर सिंह बहादुर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों बताइए, आपके सामने चार आंसर है, फटाफट आप आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए कि हाँ कौन सा आंसर होगा, आता हो तो, नहीं आता हो तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये जाएगा इसका आंसर मैथिली शरण गुप्त, क्या हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, आपका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्त, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त, कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, नंबर एक जयशंकर प्रसाद, आपका रहा नंबर एक जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर दो रहा भारतेंदु हरिश्चंद, ऑप्शन नंबर तीन रहा निराला, ऑप्शन नंबर चार रहा शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों आप बताइए कि इन चारों में से कौन सा आपका आंसर होगा, कि तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चार शमशेर बहादुर सिंह, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, आधुनिक कवियों के सुमेरु का पर्वत भी होता है, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि आधुनिक कवियों के सुमेरु या जिसमें पर्वत कहते भी हैं, कलाधार किस कवि को कहा जाता है? दोस्त आपके सामने चार ऑप्शन, फटाफट आप आंसर दीजिए, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिचंद, सुमेंद्रनाथ पंत, महादेवी वर्मा, फटाफट आंसर दीजिए दोस्त, फटाफट आप आंसर दीजिए। दोस्त आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, क्या हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, जयशंकर दोस्त आज का इतना ही वीडियो रहा, और वीडियो